वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं नाज़। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मल्टीटास्किंग। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे फेस पे एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरा अभी टी जोन एरिया ऑयली हो गया है और अब इधर देख रहे होगी इधर एक्ने हो गए हैं और जो मेरे चिक्स हैं वो थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। तो एक टाइम पे आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आप क्या करते हो, एक पैक उठा दे और लगा लेते हो। जैसे मैं भी ऐसी करती थी क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो हम एक ही पैक को पूरे फेस पे लगा लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग किस तरीके से काम करता है, बेसिकली अगर मैंने टी जोन एरिया पे जो मुझे प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने अगर मास्क लगाया है तो बेसिकली वो उसके लिए काम करेगा। एक्ने के लिए अगर मैंने एक्ने पैक लगाया है तो सिर्फ वो एक्ने के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग यूज़ की जाती है। तो आगे मैं आपको वीडियो में इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हमको मल्टीटास्किंग किस तरीके से लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना फेस को अच्छे तरीके से फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद आपको स्क्रबिंग करनी है, बिल्कुल माइल्ड स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद आप टोनर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे टोनर के लिए यूज़ करूँगी मेरा DIY मिंट टोनर और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी और आई बटन में भी इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप क्लिक करके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको स्क्रबिंग करनी है एंड देन टोनर मिस्ट आपको अपने फेस पे मतलब जो भी फेस मिस्ट है या टोनर है इस तरीके से स्प्रे करेंगे, उसके बाद आपको ये मास्क अप्लाई करना है। तो चलो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिनिंग फेस मास्क और ये आपके फेस के सारे इम्प्योरिटीज़ को हटाएगा और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो इसको अप्लाई करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करूँगी अपना DIY मिंट फेस टोनर और इसको अप्लाई करने के बाद मैं सारा फेस पैक लगाना शुरू करूँगी। तो एक्चुअली मेरे नोज़ के पास और मेरे चिन पे वाइट हेड्स हो गए हैं तो इसलिए मैं अपने नोज़ पे और अपने माउथ के अराउंड चारकोल मास्क अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर लें। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट यूज़ करूँगी जोविस आयुर्वेदा का एंटीसेप्टिक एंटी एक्ने फेस पैक और गाइज जहाँ मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से जहाँ मुझे एक्ने हो रहे हैं वहाँ पे मैं इस पैक को अप्लाई कर रही हूँ। तो आप इस पैक को अपने फेस पे जो भी आपको प्रॉब्लम है उस तरीके से आप इस तरीके से मल्टीटास्किंग फेस पैक चूज़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का रसबेरी पेपरमिंट रिफ्रेशिंग फेस पैक और अगर आपकी स्किन डल हो रही है या तो फिर आपको थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा है तो आप ये वाला फेस पैक यूज़ कर सकते हो। तो ये गुड वाइब्स का रसबेरी एंड पेपरमिंट वाला रिफ्रेशिंग फेस मास्क है। तो इसको मैं अपने चीक्स पे लगाऊंगी, थोड़ा सा मेरा जो चीक्स वाला एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ और फॉरहेड पे भी जो थोड़ा सा एरिया बचा है वहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। और गाइज मल्टीटास्किंग आप हफ्ते में 2 से या 3 बार ही अप्लाई करें, इससे ज़्यादा ना करें। तो ये देखिए मैंने कम्प्लीटली इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है, बस इसको आपको अच्छे तरीके से ड्राई होने देना है। जब ये पूरा अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आपको नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे मेरा फेस मास्क अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, अब मैं फेस वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइज अच्छे तरीके से फेस वॉश कर लिया है मैंने और काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है मुझे आप जब ऐसे यूज़ करोगे। और मैं यहाँ पे इस तरीके का टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ फेस अपना पोंछने के लिए। एक बार मैं पैक लगाने के बाद थोड़ी सी स्किन ड्राई लगती है लेकिन मुझे ऐसा कहीं पे भी फील नहीं हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रही है मेरी स्किन। तो फेस वॉश करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या तो एलोवेरा जेल या तो बैम्बू जेल, या आजकल मार्केट में बहुत सारे तरीके के जेल अवेलेबल हैं तो आप वो लगाएं, या तो फिर मैं जैसे कि यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वॉटरे की डे क्रीम, तो आप इस तरीके का कोई जेल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, इसके बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटे तक मेकअप नहीं करना है क्योंकि क्या होता है जो हमारे पैक का जो असर होता है ना वो कम हो जाता है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी इस तरीके से।
मुझे ये मास्क यूज करने के बाद गाइज बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है फेस पे। तो गाइज मुझे बहुत पसंद आया इस तरीके से मल्टी मास्किंग करना, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, और बाजू वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, इससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगी। और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेकआउट करें। फिर मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।